हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एवरीथिंग इज बेस्ट में। आज मैं आपके लाया हूँ संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची और 25 भाग हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन डॉक्टर सचिन सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इस दिन को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि भारतीय संविधान 2 माह बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान लचीला संविधान है, क्योंकि इसमें संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, अनुच्छेद 368 के तहत। राज्य के नीति निर्देशक तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकारों की संख्या 6 है। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, जबकि लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है, यह कभी भी विघटित या भंग नहीं होती है। प्रति 2 वर्ष पश्चात इसके 1/3 सदस्य बदले जाते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा संसद का निम्न सदन एवं लोकप्रिय सदन है। इसके सदस्य सांसद जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य राज्यसभा या लोकसभा का होना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति बिना संसद सदस्य रहे 6 माह तक ही मंत्री पद पर बना रह सकता है। कोई भी विधेयक दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही विधेयक अधिनियम कहलाता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, जबकि वर्तमान में सदस्य संख्या 545 है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 है तथा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है। अंतिम क्वेश्चन है, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।